अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सऊदी अरब में हमारा आखिरी दिन है और आज हम जुम्मा नमाज के बाद मदीना से रवाना हो जाएंगे वापस शारजा की तरफ। और जुम्मे के टाइम पर इतना रश था मस्जिदुल नबी में, आप देख सकते हैं कि मुझे मस्जिद के सहन में भी जगह नहीं मिली। मस्जिद के सहन के बहुत बाहर जो वॉकवे है वहाँ पर जगह मिली। खैर, जुम्मा पढ़ के हम होटल वापस गए। वहाँ अपनी पैकिंग मैंने पहले से कर रखी थी, सामान निकाला, बस आई, सामान बस में रखा और हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूं इस वीज़ा पैकेज के लिए, उम्रा पैकेज के लिए। एक्चुअली मेरा इरादा था इजिप्ट जाने का और मैं ट्रैवल एजेंट के पास इजिप्ट की टिकट लेने के लिए गया। वहाँ जाकर उसके शॉप में मैंने एक पोस्टर लगा देखा उम्रा के लिए, उम्रा बाय बस। तो वो पोस्टर देखने के बाद मेरा इरादा चेंज हो गया और मैं इजिप्ट जाने के बजाय उम्रा की तरफ चला गया। तो मेरा इरादा उम्रा करने का बन गया। तो इस तरह से मेरा इरादा इजिप्ट से चेंज होकर उम्रा करने का हो गया। तो उस शॉप पर जो पैकेज लिखा हुआ था 1500 UAE दिरहम बाय बस, 10 डेज का, 5 डेज इन मक्का, 3 डेज इन मदीना। तो मैंने सोचा कुछ और जगहों से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो जब मैंने इंफॉर्मेशन ली तो मैंने देखा कि मैं ऑनलाइन खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ सऊदी अरब का। तो मैंने ख़ुद से ऑनलाइन सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई किया, एक साल का मल्टीपल एंट्रीज़ का, जिसकी कॉस्ट मुझे 450 UAE दिरहम पड़ी। और फिर मैंने ये उम्रा पैकेज वालों को जो बाईपास उम्रा करवाते हैं इनसे कॉन्टेक्ट किया। तो इन्होंने कहा अगर वीज़ा आपका है तो हम आपसे 900 दिरहम चार्ज करेंगे, जिसमें बस का ख़र्चा, होटल का ख़र्चा और वहाँ जो ज़्यारतें उन लोगों ने करवाई आपने देखा वो सब इनक्लूड था। खाना पीना वहाँ अपना था। तो इस तरह से मैंने वो पैकेज उन लोगों से ख़रीद लिया 900 दिरहम देकर और अपना उम्रे का जर्नी स्टार्ट किया। दोस्तों, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि बस का सफ़र जब हमने स्टार्ट किया शारजा से दिन के 12 बजे, तो अगले दिन हम रात को 12 बजे मक्का पहुँचे, यानी कि 36 घंटे हमें लगे शारजा से मक्का पहुँचते हुए। और वापसी में यही सफ़र मदीना से हमने किया, मदीना से शारजा दिन के 3 बजे हम वहाँ से निकले और शाम को नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन मगरिब की नमाज 6 बजे तक हम शारजा पहुँच गए थे। तो ये कोई हमें 27 या 28 घंटे लगे वापसी के सफ़र के लिए। और इस सर्विस के बारे में भी बताता चलूँ आपको, कोई ऐसा ख़ास सर्विस नहीं थी इनकी, एवरेज थी, कोई लग्जरी बस नहीं थी, नॉर्मल सी ऐसी बस थी जिसमें चार्जिंग के स्पॉट भी नहीं थे मोबाइल चार्जिंग के, जिससे कई लोगों को बहुत इशू बना।
और बस में तकरीबन इंडियन पाकिस्तानी थे, जबकि ड्राइवर साहब जो थे वो इजिप्शियन थे, अरबी बोलने वाले थे, तो कम्युनिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एवरेज थी गुजारा, आप कह सकते हैं कि गुजारा सर्विस थी इस बस पैकेज की। और अब आप लोग बताएंगे कि आपको मेरा ये सफ़र कैसा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया, वो सब फील किया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद फिर किसी नए कंट्री में मिलते हैं आपसे और वहाँ के आपको नज़ारे करवाएंगे, वहाँ के बारे में आपको बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सका ज़रूर दूँगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।